चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 96 सीटों पर पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं अधीर रंजन चौधरी। 5 बार इस सीट से जीते हुए हैं और इस बार फिर अपनी जीत का 100% दावा कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें हराने के लिए कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी जीत तो पक्की है। सुनिए, साथ अधीर रंजन चौधरी हैं इस बार फिर एक बार चुनावी मैदान में। अधीर दा, कितना भरोसा है जीत का? More than 100% समझते हैं, More than 100%। और क्या बताओ, जो बहिरागत कह रहे हैं, जो बार बार आरोप लगते हैं कि यूसुफ पठान बाहर के उम्मीदवार हैं, आपको लगता है? जो जिनको आप बात कर रहे हैं वो कल मोदी जी की भरपूर प्रशंसा किए हैं, उनके लिए गर्व महसूस करते हैं। और क्या बताओ, वो मोदी जी और दीदी जी मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव मोदी और दीदी की मिली भगत चुनाव हो रहा है, मेरे मुझे हराने के लिए, और कुछ नहीं। आपको लगता है कि इस बार पूरी तरह से साजिश हो रही है कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ तो टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन? कांग्रेस के खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ हो रहे हैं, मैं जानते हैं, बार बार मैं ये बोलते आते हैं कि दीदी और मोदी मिली भगत ये हो रहे हैं। अदानी अंबानी पर आपने कहा पैसे नहीं पहुँचाते हैं, इसलिए देखिए हंसी मजाक जब होते हैं तो हंसी मजाक होते हैं, और उसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं? ऑन रिकॉर्ड मेरा सारे भाषण सदन में है। इस बार जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त? आसम में More than 10% की, अगर हिंदी पता नहीं, 100% से ज्यादा। ये थे अधीर रंजन चौधरी, जो पूरी तरह आश्वस्त है कि इस बार जीत के लिए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोहीवाल, मुर्शिदाबाद, एबीपी न्यूज। बहरामपुर सीट से टीएमसी ने यूसुफ पठान को चुनाव मैदान में उतार कर अधीर रंजन चौधरी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। मुकाबला कड़ा हो गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।